पास हुआ है। आज इस भरी पंचायत ने जो प्रस्ताव पास किया है, मैं अपने एक एक कार्यकर्ता को, अपने एक एक नेता को यह हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पंचायत के प्रस्ताव को जींद की धरती पर जो तैयार किया गया है, हम अपने इसका सिर पर उठा करके गांव गांव में पूरे प्रदेश के आंदोलन में लेने का आज से कर यह काम करेंगे। हमने बैठना नहीं है। बहुत दिनों के बाद एक आज एक अच्छा दिन आया है जो सभी संगठनों के भाई मिलजुल करके एक साल आंदोलन होने के बाद इसको और आगे ऊंचा ले जाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए आज से सारे काम करेंगे। तो भाइयों, जो आरसी का प्रकरण है, मैं सरकार की निंदा करता हूं। आज इस मंच से केवल किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही, उसके लिए सुझाव आएंगे, कमेटी बनाई जाएगी, चेतावनी है यहां से आज सब की ओर से कि सरकार जो हमारी वहां कमेटी बैठी है, जो कमेटी बनाई गई है, उसके प्रस्ताव पर गौर करें और उस दोषी आदमी को, उस एमपी को अंदर भेजने का काम करें। तो मेरे भाइयों, 26 तारीख और 29 तारीख जो आने वाली है, उसके लिए भाई मोर्चे भी मजबूत कर ले और जो संसद की तरफ भी जाना जो ड्यूटी लगेगी उस ड्यूटी का सब उससे भी ज्यादा पूरी करना। करोगे कि नहीं करोगे भाई? मेरी बात खत्म। मैंने कही, आपने उठ ली और मैं फिर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पंचायत के प्रस्ताव का गोटे से नीचे नहीं जाने देना, सिर को ऊपर उठा के रख रहा है। जय किसान। ये तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत होगी। आदरणीय रतनमान जी ने अभी 3 मिनट में अपनी बात कह दी और मुद्दे की बात कही है, इसलिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक निवेदन भी है, कुछ अभी साथी यहां बैठे थे कि वही खापों के भी प्रतिनिधि आए हैं तो थोड़ा थोड़ा समय उनको भी दिया जाए। ऐसा एक प्रस्ताव आया था और वो सब ने कहा कि भाई समय दिया जाए उनको भी। वो एक साथी है डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर, वो कई बार देशद्रोह के मामले में जेल में भी जा चुके हैं और नोगामा खाप के वो प्रतिनिधि हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, आदरणीय डॉक्टर दलबीर सिंह जी आए और सीमित समय में अपनी बात रखें। आज के जो हमारा सम्मेलन है उसके अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी और सभी संगठन और कमेटियों से आए हुए सम्माननीय सदस्य और मेरी मातृशक्ति, देखिए आज कोई भाषणबाजी का या इस तरह का कोई एजेंडा नहीं है। तो बोल बोल के और समझा समझा के बिल्कुल सारे छके हुए हैं, तो इसमें एजेंडे पर काम की बातें कहने का इसमें सुझाव दिया गया है। जो ये भाई सुझाव दे के गए हर जो एजेंडे में सुझाव था वह बहुत अच्छी बात थी और उससे सहमत भी हां, लेकिन दो सुझाव छोटे छोटे मैं भी दूंगा। भाई पसंद आवे तो वे स्वीकार कर लिए और नहीं पसंद आवे तो भाई मेरे वापिस दे दियो। भाई मैं ये चाहूं जो इस तरह आंदोलन चल रहा है, हमारी 20-22 डिस्ट्रिक्ट है, भाई 4 आदमियों की एक प्रचार कमेटी भी होनी चाहिए जो गांव गांव जाकर के इन नीतियों के बारे में छोटे से छोटे किसान को, और हमारे किसान ज्यादातर अनपढ़ हैं, उनको देसी क्षेत्र भाषा में इन कानूनों के बारे में बतावे और आंदोलन में शामिल होने की पुरजोर कोशिश करें। इस तरह की सारे जिले में 4-4 आदमियों की कमेटी होनी चाहिए, एक तो ये सुझाव है भाई। और दूसरा सुझाव मेरा ये है, जो हम सरकार का विरोध प्रकट करते हैं, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो संगठन का कोई सदस्य हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, भाई मेरा एक सुझाव ये है, भाई लांडी बुचिया ने छोड़ दो, जो छोटे मोटे चेयरमैन एमएलए एमपी है इन्हें छोड़ दो। आपा विरोध जो कर रहा वो केवल कैबिनेट
मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का इतना तो बढ़िया है भाई, मन ने तो लाग गया यू ठीक भाई, तो हमने लाग गया तो राख लियो और इसने लागू कर दियो। जो ये लंडी पुच्ची आवे हैं छोटी मोटी, इनका विरोध करने का कोई फायदा नहीं, इन में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। कोई मोटा बल्ला आवे बागड़ बल्ला उसका विरोध करो सर। ज्यादा ना बोलते हुए सारे भाइयों को धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे नौजवान साथी ऑल इंडिया किसान सभा से भाई सुमित दलाल जी को, सुमित दलाल जी आए और जो प्रस्ताव है, जो मुद्दे हैं, उन पर अपने सुझाव रखें। आदरणीय मान सम्मान के योग इस राज्य स्तरीय कन्वेंशन में ऊपर